इसको कंफर्टेबल करवाया है तो अब जीगी के लिए बन रही है ये सूजी की खीर, क्योंकि ये खाना नहीं खा वो नहीं चपाती वगैरह अब सुबह नहीं खाती है। जब से जीगी बीमार हुई है ना तब से जीगी कुछ भी नहीं खा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। हल्का फुल्का मेरे साथ बैठ के एक दो बाइट खा लेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से इसका वेट भी बहुत ज़्यादा लूज होता जा रहा है। तो इस बार तो मैंने ठान लिया था कि इसको कुछ ना कुछ तो खिलाना ही है, तो ये सूजी की खीरपा है, कुछ मम्मा बोलते हैं इसको, ये मम्मा ही बनाते हैं, तो इसमें मैंने उनसे गुड़ डलवाया था ताकि ये खा ले, क्योंकि मुझे इसको शुगर नहीं देना था, बहुत कम मैं इसको शुगर देती हूँ, ना के बराबर बिल्कुल। तो वो देने के बाद वो उसने आराम से खा लिया था, एक कटोरी मैंने इसको दिया था बना के। तो इसको खिलाने के बाद हम लोग कर रहे थे ब्रेकफास्ट की तैयारी, जिसमें हम लोगों के घर में बन रहा था परांठा। और एज़ यूजुअल आप लोगों को मैंने बहुत बार बता दिया है कि हमारे घर में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मोस्टली परांठा बनता है, सब्जी भी बनती है बट परांठा तो मस्त है ही है, तो वो तो बनता ही है। तो आज बन रहा था गोभी का परांठा, तो उसके लिए तैयारी कर रही थी मैं। तब तक पापा भी आ गए थे और जीगी ने पापा को अपने काम के लिए लगा लिया था। उसके बाद नाश्ता वाश्ता कंप्लीट करने के बाद हम दोनों माँ बेटी गए नहाने के लिए और मैंने जीगी को फटाफट से तैयार वगैरह कर दिया। और ये जो टेडी आप देख रहे हो ये जीगी की मासी ने जीगी को दिया है, पिछले व्लॉग में आई थिंक आप देखोगे इसको। तो यही टाइम होता है जीगी को मैं अच्छे से रेडी करके एक दूध शुद्ध पिला के उसको सुला देती हूँ। ये डेली का रूटीन है जीगी का, 12 से 12:30 के बीच में जीगी को सोना ही सोना है, नाप तो लेनी है, तो मुझे फटाफट से 12 से पहले पहले उसके काम कंप्लीट करने पड़ते हैं ताकि वो 12 बजे अच्छे से एक नाप ले लेंगे। Thousand years later. हम लोग आए हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, इन्होंने बुला लिया था, जीगी को फटाफट ना ला के आ गई। नमस्ते, कैसे हो? बस ठीक है, बताओ। सो गाइस, मैं यहाँ पे बना रही हूँ कलाड़ी। यहाँ पे मम्मा, मेरे को तो आती नहीं बनाने, मम्मा ही बना रहे हैं। ये है मेरा कलाड़ी कुलचा जो हमने कुछ इस तरह से बनाया है, इस पर मैंने डलवाया है प्याज टमाटर और मिर्ची, और ये मेरी जीगी भी खाती है बहुत खुशी से। ओह, खुद ही खा गई टमाटर। यम्मी यम्मी यम्मी। 2000 years later. गाइस, अभी मैंने ये फेस मास्क लगाया हुआ है। मैं कौन सा लगाया मैंने आपको बता देती हूँ। मैंने लगाया है ये विटामिन सी का, गुड वाइब्स का विटामिन सी का फेस मास्क। और जिया अभी सो के उठी है, जिया ने मेरे को इस हालत में देखा और जिया वाज लाइक मामा अब नहीं डर रहा है, क्योंकि मैंने अब इसको कंफर्टेबल करवाया है तो अब नहीं ये डर रही है। मेरा फेस ना बहुत ज़्यादा दिन से ना बहुत अजीब सा हो गया था, तो मैंने सोचा काफ़ी डेज के बाद, आई थिंक 1 month के बाद मैंने ये लगाया। माउथ क्लीन कर रही है ये। जो क्या कर रहे हो आप, दिखाओ ऊपर, दिखाओ ऊपर, दिखाओ उधर, दिखाओ क्या कर रहे हो, करो ये देखो, वेरी गुड। ओह माय गॉड, अच्छा मम्मा ने क्या लगाई है, इधर देखो मम्मा को, अपनी ड्रेस लेके आओ, ड्रेस लेके आओ, जो देखते हैं क्या लेके आती है, कुछ तो लेने गई है, ड्रेस बोला है। हाँ जी ड्रेस लेके आओ बेटा, ड्रेस लेके आओ, जो आपकी ड्रेस का है, फ्रॉक का है आपकी, फ्रॉक ये चुपे, कुछ तो लेकर आएगी, लेट्स सी क्या लेके आती है। वाह, नहीं आपको दिखाऊंगी इस हालत में, तो बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी, फेस वॉश करके आती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। 2000 years later. Guys, ये है मेरा फेस आफ्टर वॉश, और बैकग्राउंड को इग्नोर करना, ये हमारी वाईफाई वाली वायर्स लटक रही हैं, सो इग्नोर दैट। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जीगी के लिए क्या लिया, आप लोगों ने देख ही लिया होगा वैसे तो, बट आपको पता नहीं होगा मैंने कौन सा वो किया। सो हमने जीगी के लिए ये वाली फ्रॉक एक्सचेंज करके ये वाली फ्रॉक ली है, बहुत सुंदर लगी मुझे ये वाली फ्रॉक। पहले वाली ऑरेंज कलर की थी, फिर
फिर हमने पसंद की थी ग्रीन कलर की, बट वो ग्रीन पसंद नहीं आई। फिर जियो ने ये पहना, आओ इधर आओ, इधर आओ, सर दिखाओ उनको, उनको ड्रेस दिखाओ। वाह, वाह करो, वाह करो, जोर से बोलो वाह। I don't know इसको ब्रश से क्या प्यार है। ये वाली फ्रॉक लेके आए हम इसकी। नेक्स्ट हमने लाया था इसका क्यूट, बहुत क्यूट सी इसकी पैंटीज मिली है। पैक ऑफ 3 मिल रहा था, ये हम लेके आए हैं 2 से 4 इयर्स के गर्ल्स का। बहुत क्यूट है और इस बार मैंने सोचा है कि इसका डाइपर पाने की कोशिश करूंगी, तो उसको मोस्टली मैं पैंटीज में रखने वाली हूँ। सो मैं ये वाली पैंटीज लेके आई हूँ, इसकी बहुत अच्छी है, स्टफ बहुत अच्छा है। तो ये मैं जिगी के लिए लेकर आई थी, 3 सेट था पैंटीज का। सो दैट्स इट, यही मैंने इसके लिए शॉप किया, और शॉप भी नहीं किया, मतलब मम्मा ने लेके रखा था, मुझे बस एक्सचेंज करवाना था और ये तो लेना ही था, तो ये ले लिया। अभी हमने जिगी के लिए शॉपिंग करने जाना है, तो जब भी जाएंगे आप लोगों से मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी, क्योंकि अब ये बड़ी हो रही है तो समर्स कलेक्शन इसके पास नहीं है। आज मैंने हेड वॉश भी करना था, किया नहीं। सो गाइस, ये वाला व्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मुझे लगता है इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना कर देना चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर सकूं। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर द टुडेज व्लॉग। आई होप आपको ये लंबा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, लव यू। वेट 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 वेट, आप लोगों को मैं बोल देती हूँ लाइक करने के लिए, बट आप लोग करते नहीं हो, प्लीज लाइक कर दो यार।